तो गाइज़ वेलकम हो गया आपका मेरे चैनल में। आज आपके लिए लेके आऊँगा मैं बीफ और मटन कैसे बनाते हैं बिना प्रेशर कुकर के। तो गाइज़ मेरा आज का ये टॉपिक है और मैं आपको बताऊँगा ये बीफ और मटन कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज़ मैं आपको बताऊंगा बहुत से रोग होते हैं जो परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं है। कुछ आउट ऑफ कंट्री होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि जो बंदे होते हैं जिनके लिए यानी कि वो प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करते, बहुत से डरते हैं। तो मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैंने तो काट के रखे हुए हैं कि जो आपको इतनी वीडियो जल्दी जल्दी दिखाने के लिए, तो आपने क्या करना है कि तीन प्याज कटिंग कर लेने हैं ऐसे। उसके बाद ये थोड़ा सा लहसुन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद टमाटर है। तो गैज़ ये मिर्ची है, आप देख सकते हैं कि आपने जब भी मिर्ची काटनी है ऐसे काटनी है, कोई भी खाना हो, क्योंकि मिर्ची का असर होता है। ये देख सकते हैं मैंने कैसे मिर्ची काटी है। तो उसके बाद आपने ये सब रेडी कर लेना है, देख लें आपके सामने है ये। तो आपने करना क्या है गाइस के इसमें ये देखें, ये बीफ आ गया हमारा। तो इसको क्या करना है कि एक ही कोई जैसे जिस हांडी में आप बनाते हैं उसमें इसको ऐड कर लेना है। ये मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है। तो ये मैंने गोश्त डाल दिया इसके अंदर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पूरे को इसके अंदर डाल देना है। ये देखें यानी कि ये मिक्सअप हो गया, इससे कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये खाना ख़राब होगा या कोई ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं। तो गैस ये ज़्यादातर लोग होते हैं जिनके पास मतलब प्रेशर कुकर नहीं होता या वो नहीं यूज़ कर रहे होते, डर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कि हम क्या करें आखिरकार बीफ बनाना। और ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि ये पकता सही नहीं है, कच्चा रह जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें बस थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा सा, लेकिन आपका जो खाना यानी बीफ मटन जो होगा ना वो अच्छे से पकेगा इसमें। तो इसमें क्या करना है आपने, ये देख लें, ये देख सकते हैं, मैं अभी पानी लेके आऊँगा, मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगा। जैसे कि 1 मिनट गाइस, ये पानी लेने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करना है और इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें मतलब कि ये डूब जाए। यानी कि ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा डालना है। ये देख सकते हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये कटोरी देख सकते हैं, यानी कि बोल, ऐसा बोल ले लेना आपने जैसे कि 1 किलो गोश्त है मेरा जो मैं बना रहा हूँ, 1 किलो में इतना एक पानी डाल देना है, यानी 1 किलो पानी डाल सकते हैं आप। ये देखते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, मैंने 1 बोल पानी डाल दिया। और गाइस ये देखें, इसको मैं डब, जैसे कि आपको मैं तरीका बताने लगा हूँ, इसको डब लेना है यहाँ पे, ये ऐसे करके। और गाइस ये देख सकते हैं, ये मैं इसको डब रहा हूँ। और ये देखें, इसके साथ ही ऐड करनी है चिली वगैरह जो भी आप मसाले यूज़ करते हैं ना, इसके साथ ही ऐड करने हैं। ये देखिए मैं जैसे कि मेरा अंदाज़ा, जैसे कि मैं जितना आपका हिसाब होता है मैं तो इतना डालता हूँ, 1 ढक्कन डालता हूँ। जैसे कि वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने स्पाइसी बनाना है नॉर्मल बनाना है, तो वो आप अपने हिसाब से डालें। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये नमक ऐड किया, जैसे कि मेरा हिसाब है मैं इस हिसाब से नमक डालता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं करता। तो ये गाइस मैंने इसके अंदर ऐड किया। और ये देखें, ये गरम मसाला है, यानी कि गरम ये मिक्स मसाला है जैसे कि। तो मैंने आप भी कोई भी मतलब बीफ वगैरह मसाला जो भी बीफ मसाला होता है वो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं यानी कि इसके अंदर। तो यानी कि आप गरम मसाला भी खाली करेंगे तो आपका टेस्ट अच्छा होगा। ये हल्दी है, ये देख सकते हैं, ये हल्दी डाल रहे हैं, ये देख सकते हैं। और 1 घंटे के बाद आपने 1 घंटे के बाद देखा, पानी भी देखा, काफ़ी
सूख गया है, इसके अंदर काफ़ी सूख गया पानी, देख सकते हैं तो पहले ज़्यादा था, अभी सूख गया पानी। उसके बाद गाइस आपने ऐसे इसको थोड़ा सा चेक कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो गाइस ये होगा लास्ट में, अब ये सूख गया पानी, ये कट कट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये सूख गया पानी थोड़ा। तो मैं इसके अंदर अदरक ऐड डाल और इसके बाद ये मैंने ऑयल डाल के इसको फ्राई की, फ्राई कर रहा हूँ अभी, यानी कि ये देखते हैं माशाल्लाह, तो ये देख सकते हैं ये फ्राई हो रहा है। अगर आप ऑयल आपने ये देख सकते हैं कि ज़्यादा ऑयल डालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे कि इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। ये देखें गाइस, आपने क्या करना है, एक कप हाफ, जैसे कि ये देख सकते हैं एक कप हाफ डाल,